सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। पहले नाग के नाम से जाने जाने वाली प्रोस्पिना मिसाइल जैसलमेर में चंदन फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण के लिए तैयार है। हालांकि बहुत ज्यादा डिलेड जेनरेशन 3 फायर एंड फॉरगेट एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल को पिछले साल नाइट ट्रायल्स में 4 किलोमीटर की रेंज में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, लेकिन फिर भी इंफ्रा रेड सीकर्स को दिन के टाइम में हॉट डिजर्ट कंडीशंस में टारगेट और सराउंडिंग्स में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मिसाइल को अब दिन रात दोनों के लिए 4 किलोमीटर के पहले टारगेट से 3.2 किलोमीटर की रिड्यूस्ड रेंज के लिए टेस्ट किया जाएगा। ऑफिशियल्स ने बताया कि इस मच अवेटेड प्रोस्पिना मिसाइल के ट्रायल्स जून के सेकंड वीक में किए जाएंगे ताकि जून के एक्सट्रीम हॉट वेदर में इसके इम्प्रूव्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जा सके। नाग जो कि DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL का एक प्रोडक्ट है, पहले 1980 के दशक में शुरू किए गए DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थी। अब तक सफलता DRDO के प्रोजेक्ट नाग से दूर भागती रही है, जिसे अब प्रोस्पिना के नाम से रीनेम्ड और लॉन्च किया गया है। इस मिसाइल के यूजर ट्रायल्स के फेल होने के कुछ ही महीनों बाद गवर्नमेंट को इंडियन आर्मी इन्फेंट्री फॉर्मेशंस के लिए सेकंड जनरेशन 10,000 रशियन कॉन्कोर्स एम एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल्स को खरीदने की मंजूरी देनी पड़ी। प्रोस्पाइन ने पिछले साल बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक रात को किए गए एक परीक्षण के दौरान 4 किलोमीटर दूर लक्ष्य को अपने इंफ्रारेड सीकर की एनहेंस्ड रेंज को वैलिडेट करने के लिए सफलतापूर्वक हिट किया था। हालांकि बाद में DRDO के अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा और पहले चरण में 3.2 किलोमीटर या उससे कम की रेंज के साथ सेना को सौंप दिया जाएगा। मिसाइल को रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ा क्योंकि इसके पहले इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स हॉट डेजर्ट टेम्परेचर्स में टारगेट और सराउंडिंग्स में फर्क नहीं कर पा रहे थे। मिसाइल की टिप पर हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर्स लगाए गए हैं ताकि ये हीट और इंफ्रारेड सिग्नल्स को सेंस कर सके। प्रोस्पिना को एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर माउंट और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।